हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, तो क्या दिया गया है? टू विच नंबर मस्ट 89 बी मल्टीप्लाइड टू गिव 38003। ओके, तो 89 को हमें किस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ये आंसर मिले। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, डिवाइजर इंटू कोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंट। ओके, ये होता है जब डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? डिविडेंट। ओके, तो हम मान लेते हैं ये डिवाइजर है 89 डिवाइजर हो और ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन हमें फाइंड करना हो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्वेश्चन फाइंड करने का होगा, तो हमें डिविडेंट में क्या मिलना चाहिए? यही नंबर मिलना चाहिए। ओके, तो क्या करना होगा? 38003 हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, तो हम इससे 89 को डिवाइड करेंगे तभी हमें यह क्वेश्चन मिल जाएगा। ये डिवाइजर है और ये डिविडेंट है, तो डिविडेंट को डिवाइजर से डिवाइड करो तो हमें क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन मिल जाएगा, तो हमें वही फाइंड करना है। ओके, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ओके, अब 89 का टेबल। ओके, अब 89 का टेबल। ओके, अब क्या करेंगे? यहाँ पर टू डिजिट, तो यहाँ पर भी टू डिजिट, देखो डिविडेंड का छोटा हो रहा है नंबर, तो क्या करेंगे? थ्री डिजिट लेंगे यहाँ से। ओके, यहाँ पर टू डिजिट, अब डिवाइड करते हैं 89, 189, 189, 2 ज़ा 178, 3 ज़ा 267, 4 ज़ा 355, 5 ज़ा 445। ओके, तो 5 ज़ा इनसे बड़ा हो जा रहा है, तो क्या आएगा? 3 ज़ा। ओके, 3 ज़ा क्या होगा? 356। ओके, अब इनमें से माइनस करते हैं, 0 माइनस 6 नहीं होगा, तो क्या होगा? 10 माइनस 6 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से बोरो लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 10। ओके, नाउ 10 माइनस 6 कितना होगा? 4, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2, 3 माइनस 3 तो 0। ओके, तो क्या हुआ? 2, 4 हुआ। अब इस 0 को यहाँ नीचे लाएंगे तो यहाँ होगा 0। ओके, कितना हुआ? 240। ओके, अब इस 240 को डिवाइड करना है 89 से। ओके, तो देखो 89 थ्री ज़ा 267, तो 3 ज़ा बड़ा हो जा रहा है, तो क्या आएगा? 2 ज़ा 178। ओके, 89 2 ज़ा 178। ओके, 0 माइनस 8 नहीं होगा, तो क्या होगा? बोरो लेना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 10, 10 माइनस 8 कितना होगा? 2, 3 माइनस 7 होगा, नहीं होगा, तो क्या करना? बोरो लेना पड़ेगा, यहाँ 2 का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 13। ओके, नाउ 13 माइनस 7, ओके, कितना होगा? 3 और 3, 6 होगा। ओके, 6, 1 माइनस 1, 0। ओके, तो क्या हुआ? 62। अब क्या इस 3 को नीचे लाना पड़ेगा, अब यहाँ पर 3 कितना हुआ? 623। ओके, अब इस 623 को 89 से डिवाइड करना है, तो कितना कहाँ तक जाना पड़ेगा? देखो 89 सेवन ज़ा 623, 89 एट ज़ा बड़ा हो जा रहा है, तो यही आएगा 7 ज़ा, वही एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, देखो 623 आ रहा है, तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा? यही हमारा रिमाइंडर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको चेक करना है सही नंबर है या नहीं, तो आप इससे कर सकते हो। ओके, आपको जो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टू विच नंबर मस्ट 89 बी मल्टीप्लाइड। ओके, 89 से आप इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हुआ? 327 हमारा आंसर हुआ। आप इस नंबर को 89 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपको ये मिलना चाहिए, तो ये हो गया हमारा आंसर, आपको वही मिलेगा। ओके,